Next topic, chemical bond. First, what is bond? Bond means attraction force between two atoms is called bond. Attraction force. Basically, bond का meaning है attraction force. Between two atoms, दो atom को बांधने के लिए जितना force लगता है, this force is called bond. And ये जो bond है, ये दो टाइप के हैं. वैसे तो बहुत सारे टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, बट आपको 10th क्लास में से दो टाइप के बॉन्ड्स पढ़ना है. फर्स्ट आयनिक बॉन्ड एंड सेकंड इज कोवेलेंट बॉन्ड. सो दो एंड कोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी आपने नेक्स्ट चैप्टर में करना है, कार्बन एंड कंपाउंड्स में. अभी आपने पढ़ना है ओनली आयनिक बॉन्ड, कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है. तो हम आते हैं आयनिक बॉन्ड पर. आयनिक बॉन्ड सेकेंड नेम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. इसका एक और नाम, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. अब इसे हम फॉर्म कैसे करें? एक्चुअली आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन एक मेटल और एक नॉन मेटल की रिएक्शन से होता है. कैसे रिएक्शन हुई? सपोज मान लीजिए मेटल है सोडियम एंड नॉन मेटल है क्लोरीन. इन दोनों के हम आपस में रिएक्शन करा रहे हैं. सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281. क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 287. ये हम जानते ही हैं, क्लास 9 में हमने अच्छे से पढ़ा है. इसमें भी थ्री शेल्स हैं, इसमें भी थ्री शेल्स हैं, बट इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल मतलब सबसे बाहर वाली, सबसे बाहर वाली से मतलब ये शेल, एक इलेक्ट्रॉन है इसमें. इसकी जो बाहर वाली शेल है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है. सपोज मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफर कर रहा है मतलब अपने में से छोड़ रहा है और ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा, Cl माइनस. क्यों? क्योंकि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 18 एंड प्रोटॉन कितने 17. तो एक यूनिट से चार्ज बढ़ गया और वो ये यूनिट कौन सी है? नेगेटिव. सो हमने Cl माइनस लिख लिया. यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 है. तो प्रोटॉन की क्वांटिटी बढ़ गई, एक यूनिट से बढ़ गई, इसलिए हमने Na के ऊपर लिखा प्लस चार्ज. अब देखिए ये Na प्लस है एंड ये Cl माइनस है. दोनों की यदि आउटर मोस्ट शेल चेक करें तो ये 28, इसमें भी कितना है 288, मतलब ऑक्टेट इनका कंप्लीट है. अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद ये पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होगा एंड ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स है इसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड. और जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो फॉर्म करेगा ये NaCl. तो इस टाइप से NaCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन. कोई और एग्जांपल ले लें आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड. नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड. कि हम सोडियम ऑक्साइड को कैसे फॉर्म करें? फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड शायद फॉर्मूला आपको पता ही है, Na2 होता है. इसमें देखिए Na2 है मतलब 2 सोडियम एटम्स हम ले लें एंड ऑक्सीजन 1 है तो हमने ओनली 1 ऑक्सीजन ले लिया है. अब एटॉमिक नंबर ले लें, सोडियम 11, 11 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281, इसमें भी चले तो 281, फिर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 26. अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं. लेविस सिंबॉल्स, लेविस सिंबॉल्स हम देखते हैं. अब लेविस सिंबॉल्स क्या होते हैं या लेविस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जैसे सोडियम का हमें लेविस सिंबॉल बनाना है तो हमको सोडियम का सिर्फ फॉर्मूला लिखना होगा, सिंबॉल लिखना होगा एंड जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये 1, इसको डॉट के फॉर्म में शो करना है. इसे हम बोलेंगे लेविस सिंबॉल ऑफ सोडियम. इसका एक और नाम है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी है. सेम वैसे एक और सोडियम ले लें, इसमें भी 1 डॉट. क्यों? क्योंकि दूसरा सोडियम एटम इसका ये इलेक्ट्रॉन ये हमने यहाँ शो कर दिया. सिमिलरली वैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी आउटर मोस्ट शेल में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन. इनको हमको डॉट के फॉर्म में शो करना, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये इसका क्या बन जाएगा? लेविस सिंबॉल बन जाएगा. अब देखिए ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ,
ये सोडियम का भी वन इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुआ, तो देखें Na के ऊपर प्लस चार्ज आ गया एंड ऑक्सीजन इसके ऊपर टू माइनस है। अब टू माइनस देखिए क्यों, इसने टू इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, सो इसके ऊपर चार्ज कितना हुआ टू माइनस एंड Na ने वन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया सो Na प्लस। और फॉर्मूला राइटिंग से चले तो टू यहां आएगा वन यहां आएगा सो फॉर्मूला फॉर्म होगा Na2O। इस टाइप से सोडियम ऑक्साइड का हमने फॉर्मेशन कर लिया विद द हेल्प ऑफ लेविस सिंबल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम कैसे फॉर्म करें, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है मैग्नीशियम ऑक्साइड, सभी को पता है फॉर्मूला MgO होता है, MgO में टू एलिमेंट्स हैं, एक Mg एंड सेकंड एलिमेंट ऑक्सीजन। Mg एटॉमिक नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 कॉन्फिगरेशन 26। मैग्नीशियम आउटर मोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन आउटर मोस्ट शेल 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब दोनों के ही हम बना देते हैं लेविस सिंबल्स, सो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमने ऐसा ले लिया आउटर मोस्ट शेल, ऑक्सीजन 6 है तो 1 2 3 4 5 6, इस बार हमने डॉट ना लगा के क्रॉस लगाया है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स ये भी इलेक्ट्रॉन बट अलग अलग एलिमेंट है तो डिफरेंशिएट करने के लिए एक जगह डॉट तो एक जगह क्रॉस लगाया है। अब मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन पर ट्रांसफर करेगा, ये भी मैग्नीशियम एक और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, एक ही मैग्नीशियम है इसने दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए सो Mg2+ एंड ऑक्सीजन इसने टू इलेक्ट्रॉन गेन किए तो O2-। 2+ क्यों आया कन्फर्म, यदि ये चीज क्लियर नहीं है तो उसको भी कन्फर्म करें, 282 टू इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए, 10 बट प्रोटॉन्स कितने 12, कौन सी चीज बढ़ रही है, प्रोटॉन्स कितने यूनिट से बढ़ रही है 2 यूनिट से सो Mg2+। ऑक्सीजन टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए बट प्रोटॉन 8 है, 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे 2 चार्जेस से सो चार्ज क्या हो गया 2 माइनस। फॉर्मूला राइटिंग से चलेंगे तो 2 यहां लिया सो MgO ये फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला क्योंकि हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया सो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। तो ये तीन एग्जांपल्स हमने लिए हैं आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड। तो फाइनली आयनिक बॉन्ड से मीनिंग है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स इन विच वन एटम ट्रांसफर्स द इलेक्ट्रॉन, एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। जैसे इस पर्टिकुलर केस में देखिए मैग्नीशियम ने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया, इसके पहले केस में सोडियम जो था उसने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया था। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड्स। थैंक यू।